राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है हमारे इधर हरिनाम का प्रोग्राम है, तो गोपू को लेके जाने के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। अभी जा रहे हैं और मैं क्या 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 सामान लेके जा रही हूँ, कलर्स लेके जा रही हूँ और सब्जियाँ बना करने के लिए बोटी लेके जा रही हूँ और गोपू का सिंहासन लेके जा रही हूँ। और गोपू इसमें है, अभी दोनों हाथ फंसे हुए हैं, तो प्रीतम जाएगा मेरा हेल्प करने के लिए। चलो। तो एक्चुअली 2 दिन से ना इस बार फीवर हुआ है मेरा, तो तबीयत ख़राब है। तो सोच रहे थे कि कलश नहीं उठाएंगे, फिर सोचा थोड़ा सा ही तो रास्ता है तो कलश उठा लेते, क्योंकि इधर से नज़दीकी है, मतलब जिधर से कलश जाएगा ना तो नज़दीक है। तो ये देखो हम लोग पंडाल में पहुंच गए हैं, और ये देखो इधर गप्पू को अभी अपने स्थान पर बिठा के फिर जाएंगे दूसरी जगह पे दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। ये देखो कुछ कुछ लड्डू गोपाल आए हैं, सब लोग अभी तक नहीं आए हैं, तो चलिए देखते रहिए। आइए, अब सबको अच्छा लगेगा। और पूरा पंडाल देखो खाली है एकदम, अभी कोई नहीं है, मतलब एक दो जन जो भी काम करने के लिए आते वही। और आज है कलश यात्रा, कल होगा प्रोग्राम। इधर देखो सब कलश रेडी हो रहा है, और इधर हो रहा है आरती, मतलब लड्डू गोपाल का सब आरती करके फिर जाएंगे कलश यात्रा। और ये देखो हम लोग कलश यात्रा करके आ गए वापस, क्योंकि रास्ते में वीडियो नहीं कर पाए थे, जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी आए, क्योंकि इधर ना सब्जी अमीना करना है इसीलिए, तो फटाफट करके दिखा नहीं पाए इतना। तो अभी जाएंगे पंडाल के अंदर, उधर कलश रखेंगे और इधर थोड़ा सा हरिनाम चल रहा है। और ये जो गुरु जी देख रहे हो, इनका वृंदावन में मतलब आश्रम है, वन महाराज का आश्रम करके। तो ये आते हैं, देखो मेरे बेटे को प्यार कर रहे थे, क्योंकि प्रीतम वीडियो कर रहा था ना। मुड़ी से बात घूमनी पड़े না না ভালো লাগছে ভালো লাগছে। तो ये देखो हम लोग नाश्ता करके इधर बैठ गए सब्जियाँ मीना करने के लिए, तो सोचा थोड़ा वीडियो कर लेते। और ये देखो पिज्जा कल आए हैं कितने सारे, तो इधर नेक्स्ट टाइम मतलब उधर हो गया थोड़ा काम, तो इधर फिर आके। एक्चुअली मैं जब से आई थी ना, मतलब 8 बजे हम लोग का कलश यात्रा स्टार्ट हुआ था, मैं आई थी 5:30 बजे, तब से सब्जियाँ मीना ही कर रही थी। उसके बाद कलश लेने के लिए गई, उसके बाद मतलब कलश यात्रा से आके फिर वापस इधर बैठ गई सब्जियाँ मीना करने के लिए। अभी मतलब पाला बड़ा है मटर छीलने का, तो सब हम लोग का जो दुर्गा पूजा का ग्रुप है सब है इधर, तो सब मिल के मटर छील रहे थे। तो तबीयत तो थोड़ा ख़राब ही है, मतलब मेरा गला भी दुख रहा था और ऊपर से फीवर भी आ रहा था। तो ये देखो ठंडी में बैठी थी ना, एकदम पूरा ऊपर खुला है ना, तो इधर बैठ बैठ के कर रही थी, तो रात को आके इतना मेरा गला दुख रहा था ना, क्या बताओ, बात करना भी बंद हो गया था एकदम, इतना गला दुख रहा था। तो गले में पूरा दुपट्टा ओढ़ के फिर रात को सो पाई थी, मतलब सोई थी, तो सुबह उठ के देखा कि थोड़ा सा आराम मिला है। अरे देखो कितना सारा सब सब्जियाँ मीना करते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब सुबह से हरिनाम स्टार्ट हो जाएगा, तो पिछले दिन मतलब इतना तैयारी तो करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते रहिए। और इधर जो है ना राइट साइड में देखो, उधर बड़ा करके किचन है, उधर ही सब प्रसाद बनता है, और रात को सब बहुत सारे लोग आए थे प्रसाद पाने के लिए। तो ये देखो गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे, हम लोग मॉर्निंग में अभी जा रहे हैं मतलब प्रोग्राम के इधर। और सुबह सुबह कीर्तन चालू होगा, क्योंकि घर से सुनाई दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था हरिनाम का जो प्रोग्राम, मतलब गाना चल रहा था। तो चलो हम तीनों जा रहे हैं प्रीति प्रीतम और मैं, तो चलो उधर जाके मिलते हैं, ठीक है। और उधर दे जाता हूँ, जा बना चल। कौन मंडे स्कूल छुट्टी है, शिवाजी जयंती है ना, भूल गई ना प्रीतम, इधर इधर। तो ये देखो हम तीनों पहुंच गए हैं पंडाल में, और कितना बड़ा पंडाल बना है, देखो इधर से एंट्री है। और ये देखो इधर कथा भी चालू है, जो प्रभु जी आए हैं, एक जन को तो दिखाई दिया था पहले ही, वन महाराज है वृंदावन के, और एक जन है हम लोग के जो मीरा रोड वाले इस्कन मंदिर है, इस्कन मंदिर के चांद प्रभु है, इनका भी मतलब बहुत अच्छा कथा करते हैं। तो चलिए इनका कथा चल रहा है अभी। और ये देखो हम लोग आके प्रसाद पा लिया, मैं बोले सोचा कीर्तन चालू होगा तो प्रसाद पाने के लिए उठ के आने का मन नहीं करेगा, तो उससे अच्छा कि पहले प्रसाद पा लेते, उसके बाद जाके उधर बैठेंगे कीर्तन के उधर। तो ये देखो प्रसाद पा के इधर बैठ चुकी हो, और अभी कीर्तन चालू हो जाएगा, तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कीर्तन हुआ था, लेकिन पूरा पूरा कीर्तन शेयर नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा।
বম্বে নিয়ে অনেক কিছু ভাবতাম, তবে আজ এসে দেখলাম টোটাল ভাবনাটাই উল্টে গেল। যে মুম্বাইয়ের মাটিতে এত ভক্ত আছে এটা কিন্তু আমার ধারণা ছিল না। तो मैं इधर आई थी ना, तो ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग का वीडियो करो, तो मैं इसलिए उन लोग का भी वीडियो कर रही थी। तो अभी कीर्तन ख़त्म होने वाला है, तो मैं अभी जा रही हूँ घर पे और देखती हूँ, मतलब रात को पॉसिबल होगा तो आएंगे। तो ये नेक्स्ट डे भी है और लास्ट डे भी है, क्योंकि मैं रात को नहीं जा पाई थी, बहुत फीवर आ गया था इसलिए मैं सो गई थी घर पे। तो ये देखो भोग चढ़ाया कितना सारा करके, और इधर के ठाकुर पाए तारा एक बार हाथ तुलन तो देखे नहीं सवाई प्राय दे তাহলে শুনে রাখুন, তিনটে পাপ কাজ কোনো সময় করবেন না। কি কি? কোনো সময় কোনো কুড়ি ফুল ভগবানের পায়ে দেবেন না, কোনো সময় ফুটে ঝরে যাওয়া বাসি ফুল ভগবানকে দেবেন না, আর মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে কারো গাছে ফুল তুলে এনে ফুল ভগবানকে দেবেন না। এই তিনটে পাপ যদি কেউ করেন তাকে বারোটা জন্ম রৌরব নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যখন ভাত খেতে বসবেন শুধু ভাতের থালাটাকে একটা প্রণাম করে নেবেন, কি বলে? ভোজনে চ জনার্দনম, হে জনার্দন আমি সেবায় বসলাম তুমি সাক্ষী থেকো। এতে আপনার তিনটে উপকার হবে। কি কি তিনটে উপকার? যত জন্ম আপনি মানব কুলে জন্মাবেন জীবনে কোনোদিন অন্যের কষ্ট পাবেন না। দুই, খাদ্যনাল আর শ্বাসনাল পাশাপাশি দুটো খাল, এদিকের মাল যদি হয় বেসামাল পাঁচু তাহলেই তুমি স্ট্যাচু। দেখেন না অনেকে খেতে খেতে আটকে গিয়ে হরি বল হয়ে যান। যদি আপনি মারা যান গোলক বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্তি হবেন, হরিভক্তি বিলাস করছে ভক্তমন্ডলী ভক্তিমতী মায়েরা, এগুলো বুঝতে হবে। তিন নম্বর উপকার কি? যার জিনিস তাকে না জানিয়ে খেলে চুরি করে খাওয়া হয়, চুরির জিনিস ভেতরে গেলেই ডিস্টার্ব করবে। একজন বাবাজি প্রত্যেকদিন হরিনাম করে, কনকনে ঠান্ডা পৌষ মাস, তা পাড়া ছেলেরা বলছে ও দাদু আসতে তুমি এত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো, তোমার কৃষ্ণকে বলতে পারছো না একটা কম্বল জোগাড় করে দিতে? দাদু বলছে আর হরিনাম করবো না, কত্তাল টত্তাল দেখে আমি নদীতে ঝাঁপিয়ে মরবো, আজকে যদি ভগবান আমাকে কম্বল না দেয়। প্রাতকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল, রাত্রিকাল, মধ্যরাত্রিকাল, নিশাকাল, উষাকাল, বলিলাম না আটটা কাল আছে। একটা কাল নারীর নিজের জন্য স্বাধীন, সে যা ইচ্ছা করবে।
বাকি সাতটা কাল সে সংসারে স্বামীর কাছে সাত রকম ভাবে পরিচারিকা হবে। আজ হুলি খেলব গোসাম তোমারি সঙ্গে, তোমারি সঙ্গে तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।